बीते दिनों हुई तेज बारिश के बाद हमारे आसपास कई लोगों ने अपनी आंखों में दिक्कत महसूस की है। बहुत से लोगों की आंखें हल्की गुलाबी या लाल रंग की होने लगी हैं। ये लोग कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू से परेशान हैं। कई जगह तो आई फ्लू के इतने मामले सामने आए कि स्कूल तक बंद करवाने पड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। दरअसल ये एक तरह का इन्फेक्शन या एलर्जी होती है। इसके साथ ही यह उस वायरस की वजह से भी होता है जिसके जरिए आमतौर पर हमें सर्दी या जुकाम हो जाता है। बैक्टीरिया या वायरल आई फ्लू एक से दूसरे इंसान में फैल जाता है, जबकि एलर्जी वाला आई फ्लू इस तरह से नहीं फैलता। बारिश के मौसम में कंजक्टिवाइटिस की दिक्कतें काफी आम हो जाती हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी काफी बढ़ जाती है, इससे वायरस को फैलने का मौका मिलता है। नमी होने की वजह से इन्फेक्शन हमारे बीच लंबे वक्त तक रहता है। हमें बार बार पसीना आता है और हम इस वजह से अपने चेहरे को पोंछते रहते हैं, और वाजिब सी बात है जब हम अपने चेहरे को पोंछेंगे तो हम अपनी आंखों को भी रगड़ेंगे और इसी वजह से कंजक्टिवाइटिस होने के खतरे बढ़ जाते हैं। किसी को कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू है, इसका पता कैसे चलेगा? कुछ बहुत ही कॉमन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर कंजक्टिवाइटिस का पता चल सकता है। जैसे आंखें हल्की लाल होने लगती हैं, आंखों से पानी आने लगता है, उसमें खुजली होने लगती है, आंखों में कुछ चिपचिपापन हो जाता है, बार बार आंख में खुजली लगती है। ये सभी लक्षण कंजक्टिवाइटिस की तरफ इशारा करते हैं। आखिर में बात करते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होने पर क्या करें और इससे कैसे बचा जाए। माना जाता है कि कंजक्टिवाइटिस 2 हफ्तों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। वैसे कुछ आम उपाय हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। जैसे पानी को गर्म करें और फिर उसे ठंडा करके कॉटन के कपड़े से आंखों को हल्के हल्के पोंछें। ठंडे पानी से आंखों की धीमे धीमे सिकाई करें। साबुन से अपने हाथ बार बार धोते रहें। घर में साफ सफाई रखें, साफ तौलिए और रुमाल का इस्तेमाल करें। जब तक आंखों में समस्या महसूस हो तब तक कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल ना करें। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आंखों में तेज दर्द हो, चुभन हो या लाल रंग बहुत ज्यादा दिखने लगे आंखों में तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो इन दिनों कंजक्टिवाइटिस तेजी से फैल रहा है, आप अपनी आंखों का और अपने चाहने वालों की आंखों का ध्यान रखें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर जरूर करें।